अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महावेश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे, कतरी अदालत ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक अहलकारों को सजाए मौत सुना दी है। भारतीय बहरिया के साबिक अहलकारों को 2022 में कतर के खिलाफ इसराइल के लिए जासूसी करने पर जेल भेजा गया था। भारतीय एजेंसियां जासूस अहलकारों को मुसलसल मदद फराहम करती रहीं। जासूस अहलकार ज़ाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में छोटी आबदोजें बनाने जैसे एक हसास नौयत के मंसूबे पर काम कर रहे थे। इन फौजी अहलकारों में कैप्टन नौतेज सिंगुल, बरिंद्रा कुमार वर्मा, सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित निकपॉल, परिंदर तिवारी, सिग्नाकर पकलाला, संजीव गुप्ता और मल्ला राजेश शामिल हैं। कतर की जानिब से भारतीय अफसरों की सजाए मौत के बाद भारत के लिए दुनिया भर में सिफारती ताल्लुकात रखना मुश्किल हो गया है। इसी मामले पर मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो फैसला सामने आया है कतरी अदालत का, इस पर आपके रिमार्क्स क्या कहेंगे आप? भारत की जासूसी एक और मुल्क में साबित हो गई और सख्त सजा दी गई है साबिक अहलकारों को, सजाए मौत सुनाई गई है। जी हाँ, देखें कि एक इंडिया हर फील्ड में अपने आप को एस्टेब्लिश करता जा रहा है। पहले टेररिज्म थी और इसके जो अभी तक साथ साथ चल रही है, उसके अलावा फिर उन्होंने इंटरफेरेंस स्टार्ट की अपने नेबरिंग कंट्रीज में, चाहे वो पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, उनके साथ इन्होंने चक्कर वहाँ इंटरफेरेंस की। फिर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, जो उन्होंने बंदे भेजे बाहर जाके कनाडा में जो सिख मरवाए हैं, फिर इससे यूनाइटेड किंगडम में, इवन पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीरी जो टारगेट हुए हैं, जो 90 में माइग्रेट करके आए थे, उनको यहाँ पे निशाना बना के पाकिस्तान में मारा गया। और इसी तरह एक सिख लीडर लाहौर में था। फिर इसके साथ साथ कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से पकड़ा गया। तो फिर इसके अभी इससे वो ताने बाने इनके बनते हैं कि देखें कि ये सारे कुछ जो है एस्पिनाज में भी अभी ये शामिल हो गए। इससे एक चीज ये एस्टेब्लिश होती है कि नेक्सस है बिटवीन इसराइल एंड इंडिया का, रा और मोसाद का। इनका ये नेक्सस आज से नहीं है, बहुत पहले से है। ये पाकिस्तान को टारगेट करना चाहते थे 1987 में भी, 1998 में भी, लेकिन पाकिस्तान के तरफ से वार्निंग गई तो तब जाके ये बाज आए हैं। जो ये जो इंसिडेंट हुआ है कतर वाला, देखिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज में वहां पे जो लॉ बहुत सख्त है, वहां के कोर्ट्स बहुत सख्त हैं, वहाँ फैसले कानून के मुताबिक होते हैं। स्पेशली जब ड्रग्स की बात होती है या एस्पिनाज की बात होती है या गद्दारी की बात होती है, तो यहाँ पे भी देखें कि उनके 8 जो नेवल जो रिटायर्ड लोग थे, इसमें 7 ऑफिसर है, 1 सेलर है, और ये जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे दारा ग्लोबल टेक्निक्स है, ये बेसिकली वो बना रही एक सबमरीन बना रही थी कतर के लिए, और ये बेसिकली इटालियन लोग थे जो बना रहे थे। तो सारी इंफॉर्मेशन जितनी थी दैट वाज सप्लाइड टू इजराइल, तो इसका मतलब था मोसाद को दी जा रही थी और ये दी जा रही थी ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ, यकीनन रॉन ने लिंक एस्टेब्लिश किया कि आपने इनको ये देना है। तो आप समझ ले कि ऑफिशियली ये एक चीज दे वर डायरेक्टेड कि आपने ऐसा करना है, और जब ये चीज एस्टेब्लिश हुई है तो इसके बाद उनको जाके सजाए मौत हुई है। तो ब्रिगेडियर साहब, ये जाहिर भारत इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतों का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये इस तरह के फैसले सामने आने के बाद, अभी ये कतर का वाकया हुआ, इससे पहले हमने कनाडा का वाकया देखा था, अब पाकिस्तान और खित्ते के ममालिक में, तो ये अंडरस्टूड है कि किस तरह से भारत इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है। तो जिन बड़ी ताकतों का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत, अब क्या उन बड़ी ताकतों को सोचना होगा, कॉर्नर करना होगा भारत को? नहीं, यकीनन सोचना होगा। देखें, जब से कनाडा वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद बड़ी ताकत स्पेशली 5 आईज में यूनाइटेड स्टेट्स उसमें शामिल है, तो उन्होंने इस पर बड़ा सीरियस लिया था। उन्होंने कहा बेसिकली इंफॉर्मेशन तो अमेरिका की तरफ से गई थी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गई थी कि इसमें हरदीप सिंह नजर के उसमें इंडिया इन्वॉल्व है। तो अभी इसके बाद ये एस्टेब्लिश हुआ तो स्पेशली बड़ी ताकतों को भी सोचना होगा, लेकिन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट सोचना होगा, क्योंकि देखें कि सबसे ज्यादा इंडियंस वो मिडिल ईस्ट में है, चाहे वो सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये है कि अबों के लिए अभी खतरे की घंटी बज गई है कि ये लोग जो इंडिया के वहां पे मौजूद हैं कि मोस्टली दे आर वर्किंग फॉर रा के लिए काम कर रहे हैं, और फिर फर्दर आगे मोसाद से लिंक है, तो इसलिए अभी उनको 10 दफा सोचना होगा जब किसी को एम्प्लॉय करते हैं, किसी को जॉब देते हैं। तो इससे ये देखें कि उनके पीठ में जो कहते हैं ना छोरा गोवा है, तो ये लोग हैं जिन्होंने जाके वहां एस्टेब्लिश हुए और जाके कतर के साथ अबू के साथ ये किया है। आप उनका मीडिया उठा के आज देख लें, 24/7 है वो बात कर रहे हमास टेररिस्ट है,
हमास के अगेंस्ट वो बात कर रहे हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो उनके राइट्स की कोई बात नहीं कर रहा है। सही, मसूद साहब साथ रहिएगा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ मौाकों पर मुख्तलिफ इवेंट्स के बाद दुनिया को बताता रहा है कि भारत इस तरह की कार्रवाई में मुलविस